और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी ने कार्यक्रम को तय किया है, जिसको लेकर 3 लोकसभा के सांसद, विधायक मंडल के नेताओं की बैठक बीजेपी कार्यालय में हुई, जिसमें पटना ग्रामीण बार और पटना साहिब के संगठन के बूथ प्रभारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में कार्यक्रमों की चर्चा की गई, जिसमें सभी जिला और प्रखंड में कार्यक्रम चलाने की रणनीति बनी। बैठक के बाद संजय जायसवाल यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जहां सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के सवाल पर चुप्पी साधी, तो कृषि मंत्री ने कहा कि एनडीए मजबूती के साथ है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। हम लोग की सब जगह नॉर्मल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी के कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। हमारा 3 साल का जो 8 साल पूरे हो रहे हैं, उसको लेकर के आगामी भूमिका कैसी रहेगी, इसी पर यह बैठक। नहीं, सरकार पर कोई संकट नहीं है और इस सियासत से इस बैठक का कोई सरोकार नहीं। एक जून को सर्वदलीय बैठक बुलाया, नीतीश कुमार उसमें शामिल है। एक जून को सर्वदलीय, हमारे सब नेता बता रहे हैं, उनसे पूछ। लेकिन सर, ये नजर आ रहा है सर कि बीजेपी जेडीयू के बीच एक बार फिर से कहीं ना कहीं नाराजगी। कोई नाराजगी नहीं। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जेडीयू कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जातीय जनगणना को बिहार के हक में उन्होंने बताया। वहीं उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि इसके साथ ही एनडीए में सब ठीक ठाक होने का श्रवण कुमार ने दावा किया। हम लोग तो राज्यों को यह अधिकार संविधान प्रदत्त शक्ति है, जिसके तहत जाति आधारित जनगणना राज्यों की सरकार करा सकती है। तो इस पर सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से विमर्श करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई है, और उस बैठक में सभी माननीय जो दल के नेता हैं उनके सुझाव आएंगे, उनके विचार आएंगे, उसके बाद आगे के निर्णय सरकार के तरफ से लिया जाएगा। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई। जनसंख्या नियंत्रण कोई आज से हो रहा है क्या? उसके लिए स्वास्थ्य विभाग भी काम कर रहा है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने अलग से योजना भी बिहार में बनाई, जिसकी चर्चा मैंने किया कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए आगे हाई स्कूल में इंटर तक की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई कराएंगे, तो लड़कियों में एक जागृति पैदा होगा और जनसंख्या नियंत्रण करने में हम सबको सहूलियत होगी। किसी को फोर्स भी नहीं किया जाएगा, किसी को जबरदस्ती भी नहीं किया जाएगा, और आप जनसंख्या नियंत्रण। एनडीए में ठीक ठाक है, एनडीए ठीक ठाक है, और पूरी तरह से सरकार ठीक ठाक से चल रही है, आगे तक भी सरकार चलती रहेगी। लगता है लालू यादव आएंगे तो राजनीतिक सीजा जो है कुछ बदलेगी? एक बार लालू यादव आए हैं, कई बार तो आए, आते रहते हैं सब।